हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, समय समय पर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नीति और निर्देश की, जिसमें कि लोक शिक्षण संचालनालय में पद स्थापना से संबंधित अपने एक लेटर में इससे संबंधित नियम और निर्देश जारी किए हैं, साथ ही साथ इसकी विधि क्या रहेगी, नियुक्ति कैसे होगी, पोर्टल पर अपडेट कैसे होगा, ई सर्विस बुक कैसे जनरेट की जाएगी और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र कहां से मिलेगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी इत्यादि सभी कुछ इन्होंने अपने एक लेटर के जरिए निर्देशित किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी के संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी जिलों से जानकारी मांगी गई थी कि जो भी रिक्त पद हैं उनको पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और उसके आधार पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह क्या नियम और निर्देश हैं और क्या उसकी प्रोसेस रहेगी जिससे कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग में दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं इसके। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि परिशिष्ट 4 में पद स्थापना से संबंधित नियम और निर्देश जारी किए हैं DPI के द्वारा और इसमें जो भी प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर उपलब्ध समस्त रिक्त पदों की संस्थावार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल अथवा MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिक्त पदों की जानकारी को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर भी चपता किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि जो मांगे गए हैं खाली पदों की संख्या के संबंध में और उसकी कुछ समय सीमा दी गई है, तो वो सभी सीमा पूर्ण होने पर ये कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर चयनित शिक्षकों से उपलब्ध रिक्त स्थानों पर एकीकृत मेरिट सूची के वरीयता क्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर पद स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उसकी पद स्थापना की जाएगी उसके आधार पर। शैक्षणिक संस्थाओं में पद स्थापना की कार्यवाही विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार निश्चित तिथियों के अनुसार की जाएगी और उसमें कुछ डेटेड फिक्स रहेंगी और उसके हिसाब से उनको लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में होगा, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा, ठीक है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रमाण पत्रों की पुनः जांच करेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि जो प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं और जो फाइल DPI जाएगी तो वहां पर नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी है वो इनकी फिर से जांच करेगा और प्रमाण पत्रों को फिर से वेरीफाई करेगा और इसके बाद में चयनित आवेदक को नियुक्ति आदेश पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, बाई हैंड वाली बात नहीं है, आदेश जो है पोर्टल पर ही आ जाएगा आपकी ID पर और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात चयनित आवेदक की ई सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट नियुक्ति है इसलिए यहां पर संविदा है इसका कोई काम नहीं है। ई सर्विस बुक में डायरेक्ट आपकी एंट्री होगी। जिन संविदा शिक्षकों शिक्षा कर्मियों को 15-20 साल लगे, लेकिन इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट होगा और डायरेक्ट आपकी ई सर्विस में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि संस्था के लिए पद स्थापना का आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये काम भी पूरा ऑनलाइन होना है, एजुकेशन पोर्टल से ही पद स्थापना का आदेश दिया जाएगा। इसके उपरांत नियोजित किए गए शिक्षक को पदांकित शाला में पद भार ग्रहण कर नियमित अध्यापन कार्य संपन्न कराना होगा। ये तो बिल्कुल सही है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी चौथा पॉइंट है कि जारी नियुक्ति आदेश एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों को आवेदकों से प्राप्त कर ई सेवा पुस्तिका तैयार करेंगे एवं फोटो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र को अपलोड कराएंगे, साथ ही HRMIS को भी अद्यतन कराएंगे और जो भी उनसे संबंधित विभाग होंगे जहां जहां पर भी वो डॉक्यूमेंट भेजना होंगे वहां पर उनको भेज दिया जाएगा और उसके बाद में पूरी प्रोसेस कर ली जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक बार फिर से प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा,
ई सेवा पुस्तिका को अपडेट किया जाएगा, उसमें आपके नाम को शामिल किया जाएगा और बाद में जो है जो पोर्टल से ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और पद स्थापने की प्रोसेस पूरी की जाएगी और उसके बाद जो भी विद्यालय की च्वाइस आपने की है वो आपको अलॉट करके आप वहाँ पर जाएंगे, वो प्रमाण पत्र देंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे नियुक्ति का और आप लोगों की ज्वाइनिंग निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रोसेस थी, समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और ये स्थिति आएगी दोस्तों जब फाइनल मेरिट सूची जारी हो जाएगी। और दोस्तों निश्चित रूप से ये जो प्रोसेस है जैसा कि टाइम लिमिट में बताया गया है कि जुलाई में निश्चित रूप से ज्वाइनिंग की क्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।